सीमा हैदर और अंजू के बाद अब एक गजल की भी बड़ी पहेली बन गई है। 17 साल की नाबालिग लड़की कैसे इंस्टाग्राम पर एक पाकिस्तानी लड़के के ट्रैप में फंस जाती है, परिवार से झूठ बोलकर कैसे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक वो पहुंच जाती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या पाकिस्तान सोशल मीडिया पर बैठकर हैंडलर किसी खास मकसद के साथ भारत की लड़कियों को लगातार अपने जाल में फंसा रहे हैं, और क्या इसके पीछे हनी ट्रैप का कोई बड़ा गेम प्लान हो रहा है क्या? सब कुछ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। सोशल मीडिया पर आशिक पाकिस्तानी, निशाने पर हैं बेटियां हिंदुस्तानी। असलम लाहौरी ने बरगलाया, गजल को बुर्का पहनाया। सरहद पार से खतरनाक साजिश, टारगेट पर हैं भारत की नाबालिग। पाकिस्तान में हनी ट्रैप के हैंडलर, सोशल मीडिया पर एक्टिव पेडलर। सीमा हैदर का प्यार पबजी से शुरू हुआ था, अंजू का प्यार फेसबुक पर परवान चढ़ा था, गजल की असलम से दोस्ती भी इंस्टाग्राम पर ही हुई थी। तो क्या ये महज संयोग है या फिर सरहद पार भारत की बेटियों को फंसाने के लिए साजिश का बहुत बड़ा प्रयोग? ऐसा इसलिए क्योंकि असलम ने सिर्फ गजल से दोस्ती नहीं की, बल्कि गजल की दो क्लासमेट के साथ भी सोशल मीडिया पर नजदीकियां बढ़ाई। पुलिस की पूछताछ में गजल ने साफ साफ कहा कि असलम की दोस्ती उसकी दो सहेलियों के साथ भी है, वो उनके साथ भी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर चैट करता है, जिसके बाद पुलिस सभी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल निकाल रही। नहीं, अभी हम इसका जब तक इसका सोशल अकाउंट्स नहीं मिलेंगे तब तक ये कहना हमें अभी वो नहीं, हम इसकी गहनता से जांच करेंगे। और इसकी और भी एक दो जो क्लासमेट्स हैं उनके भी ये बताइए कि उनकी भी दोस्ती है वहाँ, तो उस दोस्ती के हिसाब से वो हमने बात करी उनसे और बात करने घूमने चली जा रही हूँ। मतलब पाकिस्तान में बैठे असलम लाहौर के टारगेट पर केवल सीकर की गजल नहीं थी बल्कि उसकी दो सहेलियां भी थी। असलम लाहौरी इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप कर उन दोनों लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रहा था। असलम ने ही गजल को एयरपोर्ट पर फर्जी कहानी सुनाने के लिए कहा था, जिसके बाद गजल पढ़ाई का बहाना बनाकर घर से निकली और बस पकड़कर सीधे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। पाकिस्तान की नहीं रहनेकर राजस्थान की रहने वाली है और इसका एक सोशल मीडिया अकाउंट से, इंस्टाग्राम से एक लड़के से दोस्ती हुई। उस फ्रेंडशिप में उसने चैटिंग के दौरान बताया तो एक आपस में मिलना चाहा, तो मिलने के लिए लाहौर आ जाइए, एयरपोर्ट पे आ जाइए और एयरपोर्ट से आप टिकट लेके लाहौर आ जाइए। पहले अंजू और फिर गजल, इन दोनों मामलों के बाद पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ चल रही साजिश का पर्दाफाश होने लगा। खबर है कि पाकिस्तानी एजेंसियां भारत में हनी ट्रैप का जाल फैला रही है, जिसके लिए भारत की लड़कियों को ट्रैप में फंसाया जा रहा है। पाकिस्तानी हैंडलर पहले दोस्ती और फिर प्यार का झांसा दे रहे हैं, लड़कियों को पाकिस्तान आने के लिए मजबूर किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करने के लिए हिंदू लड़कियों को बरगलाया जा रहा है। खबर तो यहां तक है कि पाकिस्तान में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए भारत की बेटियों को यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अंजू की पाकिस्तान में कैसे खातिरदारी हो रही है, जिससे उन्हें अपने जाल में फंसाया जा सके। अंजू और गजल के बाद पाकिस्तानी एजेंसियों के भारत में हनी ट्रैप का जाल फैलाने का शक गहराता जा रहा है। पाकिस्तान के जिस असलम लाहौरी के ट्रैप में नाबालिग लड़की थी उस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। असलम के निशाने पर दो और लड़कियां थी, उसके बाद में असलम लाहौरी का सोशल मीडिया अकाउंट और प्रोफाइल खंगाला जा रहा है। एजेंसियों को शक है
कि छात्राओं को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया जा रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। सीमा से शुरू हुआ ये किस्सा अंजू के बाद अब गजल तक पहुंच गया है। भारत की जांच एजेंसियां पूरी गंभीरता के साथ इन मामलों की पड़ताल में जुट गई है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं और कोई अंजू या गजल तो इस टाइप के ट्रैप का शिकार नहीं हो रही।